हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिमबस में। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी समय से हम हिमाचल के दूर दराज बसे गांव की ओर नहीं गए थे, तो आज सोचा कि किसी रिमोट हिमालयन गांव का रुख किया जाए। और आज की इस वीडियो में हम चलेंगे शिमला ज़िला के रामपुर बुशहर तहसील में बसे काशापाट गांव। काशापाट एक्चुअली कुछ गाँव का एक समूह है, जिनमें प्रमुख हैं दमनी, पाट, कंडी और काशा। इन गांवों की एवरेज एलिवेशन है 2500 मीटर यानी 8000 फीट से भी ऊपर। सर्दियों में इन गांवों में काफ़ी बर्फ़ गिरती है और अभी 4-5 साल पहले तक तो पैदल घंटों ट्रैक करके ही इन गांवों तक पहुंचा जा सकता था। काशापाट जाने का रास्ता इतना चुनौतीपूर्ण है कि डंडोल से आगे करीब 14 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनने में 10 साल लग गए। अभी भी कुछ स्ट्रेचेस कच्चे और बेहद संकरे हैं और उन्हें ठीक और पक्का करने का काम चल रहा है। 2017 में पूना गांव तक बस सेवा शुरू हुई है और काशापाट के लोगों का 14 किलोमीटर का पैदल सफ़र आधा हो गया। फिर पिछले साल यानी अप्रैल 2021 में काशापाट के लिए पहली बार बस चली और अभी भी दमनी गांव तक ही बस आती है। दमनी के आगे कंडी गांव तक इस साल अक्टूबर में सफल ट्रायल कर लिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से फाइनल ऑर्डर आना अभी बाकी है। कंडी से आगे काशा गांव तक रोड छोटी गाड़ियों योग्य बन चुका है और उम्मीद है कि कुछ समय बाद बस सेवा भी काशा गांव तक चलने लगेगी। काशापाट के लिए रामपुर से 3 बसेस जाती हैं, जिनमें से एक HRTC की है और दूसरी SKT की प्राइवेट बस है, जो कि दिन में 2 चक्कर लगाती है। HRTC की बस रामपुर से 9:45 बजे चलकर नोगली, खनोटू, तकलेच, सेरीनाला, उरमन, जोगनी, मुनिशबहली, डंडोल से होते हुए काशापाट पहुंचती है। रामपुर से काशापाट की दूरी करीब 45 किलोमीटर है और किराया 100 रुपये। इस बस को इस दूरी को तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब रामपुर से काशापाट का सफ़र। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मैं हूँ रामपुर बुशहर में। रामपुर शिमला ज़िला का एक बड़ा शहर और तहसील है और ये है रामपुर का बस स्टैंड। काशापाट जाने वाली बस का टाइम यहाँ से 9:45 बजे का है और बस अभी 9:30 बजे तक यहाँ पर आएगी। बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है और हिमाचल के गिने चुने ऐसे बस स्टैंड्स में से है जहां पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। बस स्टैंड आने जाने का मुख्य रास्ता वैसे वहां सामने से है, पर आजकल लवी मेले की वजह से रोड बंद किया हुआ है, इसीलिए अभी बसेस वर्कशॉप के रास्ते से यहां आ रही हैं। ये मंडी डिपो की रिकॉन्क्यो मंडी बस आई, पर ये अभी रिकॉन्क्यो की बजाय रामपुर से ही चलती है। रामपुर से हिमाचल के लगभग हर कोने की बस मिल जाती है, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर इत्यादि, और साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार के लिए भी बसेस अवेलेबल हैं। ये रामपुर से जम्मू जाने वाली हिमधारा बस है, जो कि 11:15 बजे यहाँ से चलेगी। बस स्टैंड के अंदर ही यहाँ HRTC का डीजल पंप भी है। बस अड्डे के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और टाइम टेबल के लिए LED बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। इस बस अड्डे का उद्घाटन 2011 में किया गया था। फिर 9:30 बजे हमारी बस यहाँ काउंटर पर आकर लग गई। जैसा कि उम्मीद थी कि इस रूट पर ज़्यादातर पुरानी टाटा बसेस को ही भेजा जाता है। लोकल रूट्स पर वैसे पुरानी बसेस को भेजना ठीक है, पर जब वो रूट काशापाट जैसा ख़तरनाक हो फिर नई बस भेजी जानी चाहिए। अपनी ये बस वैसे 12 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन उस टाइम के बने मॉडल आज भी मजबूत हैं।
साथ ही यहां पर कुल्लू और रोहडू जाने वाली बसेज भी लगी हुई हैं। रोहडू वाली बस यहां से तकलेज तक हमारे रूट पर ही जाएगी। आज हमारी बस के स्टाफ हैं ड्राइवर मदन लाल जी जो कि रामपुर से ही हैं और कंडक्टर हैं रामदयाल जी जो कि निरमंड से हैं। वीडियो बनाने में हमारी सहायता के लिए हम अड्डा इंचार्ज स्वरूप चंद जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर 10:15 हम रामपुर से चल पड़े। बस स्टैंड से कम ही यात्री बैठे हैं क्योंकि बस स्टैंड शहर से थोड़ा नीचे आकर है। ऊपर ओल्ड बस स्टैंड से मैक्सिमम पैसेंजर्स चढ़ेंगे। ये है रामपुर डिपो की वर्कशॉप और जैसा कि हमने पहले बताया कि मेन एंट्री तो वैसे दूसरी तरफ से है पर अभी लवी मेले की वजह से बसें यहीं से आ जा रही हैं। इसके बाद हम पहुंच गए मेन रोड पर। रोड के दोनों तरफ मेले की दुकानें लगी हैं, हालांकि अभी सब थोड़ा खाली खाली है। रौनक अभी दोपहर के बाद लगना शुरू होती है। सारी दुकानें रोड साइड ही लगाई हैं तो यहां से रोड वन वे कर दिया गया है। लवी का अंतर्राष्ट्रीय मेला हिमाचल के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यहां सांस्कृतिक संध्या 11 से 14 नवंबर तक है और दुकानें तो पूरा नवंबर लगी रहती हैं। 17वीं शताब्दी में बुशहर स्टेट और तिब्बत के बीच व्यापार संधि के बाद ये मेला लगना शुरू हुआ था। लवी का मतलब भी लोई यानी ऊन के कपड़े से ही लिया गया है क्योंकि उस समय भेड़ और ऊन का व्यापार प्रमुख था। ये सामने से आ रही है दिल्ली रामपुर हिमसता बस। अभी कुछ महीने पहले इसका टापरी तक सफल ट्रायल किया गया था पर अभी इसका ऑफिशियल एक्सटेंशन नहीं हुआ है। उम्मीद है आने वाली सर्दियों के बाद इसे टापरी तक चलाया जाएगा। फिर हम पहुंच गए ऊपर ओल्ड बस स्टैंड के पास और यहां से कुछ और पैसेंजर्स चढ़े। वैसे आज संडे है तो काफ़ी कम पैसेंजर्स हैं। ये रिकॉन्क्यो डिपो की काफनू चंडीगढ़ और हरिद्वार रिकॉन्क्यो बसेस अपने डेस्टिनेशंस की ओर जा रही हैं। और यहाँ राइट में है सतलुज नदी जो कि रामपुर को दो हिस्सों में बांट देती है। इस तरफ का हिस्सा है ज़िला शिमला में और उस पार ज़िला कुल्लू। ये रामपुर का महालक्ष्मी मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी की ये भव्य मूर्ति भी है। यहाँ से राइट में निरमंड और बागी पुल के लिए अलग रास्ता हो जाता है। और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो कि पंजाब के फिरोजपुर से शुरू होकर इंडो तिब्बत बॉर्डर पर शिपकिला तक जाता है। अभी नोगली तक हम सतलुज नदी के किनारे इसी हाईवे पर जाएंगे। फिर 10:15 हम पहुंच गए नोगली। इस ब्रिज को पार करके अब हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे।
लेफ्ट में ये नोगली खड्ड है जो कि सतलुज की सहायक नदी है। ये काशापाट के आसपास बर्फीले पहाड़ों से ही निकलती है। डबल लेन रोड छोड़कर अब हम इस संकरे सिंगल रोड पर आ गए हैं। अब अगला बड़ा गांव तकलेच आएगा जो कि करीब 15 किलोमीटर दूर है। यही रोड आगे रोहडू के लिए भी जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गांव जैसे करेरी, मझाली, दियोठी के लिए भी डाइवर्जन करते हैं, तो काफ़ी सारी बसेज यहाँ तकलेच तक उपलब्ध हैं। नीचे नोगली खड्ड पर राजपुरा में राजपुरा हाइड्रो प्रोजेक्ट और दर्शल के पास साई हाइड्रो प्लांट भी बनाए गए हैं। अब हम तकलेच पहुंचने वाले हैं और गांव से पहले यहां एक सुंदर पार्क भी बनाया गया है। फिर 11 बजे हम तकलेच पहुंच गए और काफ़ी सवारियां यहां पर बस से उतर गई। अभी यहां 15-20 मिनट का टी ब्रेक भी होगा। तकलेच रामपुर की सब तहसील है और आसपास के सारे गांव का सेंटर भी। यहां एक बड़ी सी मार्केट है और सारे ज़रूरी सामान के साथ बैंक एटीएम भी यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर एक बड़ा प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल और बाकी कई सारे सरकारी दफ्तर भी हैं। जब पहले आसपास के गांव में स्कूल नहीं होते थे तो बच्चे यहीं पढ़ने आते थे। फिर 11:20 पर हम तकलेच से आगे की ओर चल पड़े। तकलेच से ऊपर गांव की तरफ जाने वाले काफ़ी पैसेंजर्स मिल गए हैं। ये रास्ते भी वैसे संकरे ही हैं पर रोड पक्का है और इस तरफ है गहरी खाई।
और ये SKT बस काशापाट से आ रही है। ये बस दिन में दो चक्कर लगाती है, पहली बार सुबह 8 बजे के करीब जो कि अभी वापस आ रही है, फिर दोपहर बाद ये दोबारा एक और चक्कर लगाएगी। फिर इसके बाद हम पहुंच गए सेरी पुल पर। सेरी पुल के बाद अब इन जंगलों के बीच से चढ़ाई शुरू हो जाती है और अब काशापाट तक ऊपर ही चढ़ते जाना है। और ये सामने है उरमन गांव और ये है उरमन का कैंची मोड़। हमारी बस यहां से राइट की ओर मुड़ जाएगी। और ये लेफ्ट में रोड आगे मशनू गांव की ओर चला जाता है जो कि करीब 40 किलोमीटर दूर है। उरमन के बाद फिर हम पहुंच गए जोगनी गांव। ये सारे गांव छोटे छोटे ही हैं और कुछ दुकानें वगैरह यहां पर मिल जाएंगी। मुनिश बहली गांव यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी बस उससे पहले ही काशापाट की ओर टर्न ले लेगी। यहां गांव में पोस्ट ऑफिस, IPH रेस्ट हाउस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसी सारी सुविधाएं हैं। तो यहां से हम पक्का रोड छोड़कर काशापाट की कच्ची सड़क पर मुड़ जाएंगे। मुनिश बहली गांव यहां ऊपर ही है और वहाँ के लोग बस से यहाँ उतर गए। इस जगह का नाम है डंडोल और डंडोल से काशापाट अब 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी 45 मिनट और लग जाएंगे। डंडोल से काशापाट का ये रोड बनाने का काम 10 साल पहले शुरू हुआ था। तब तक बस यहाँ डंडोल तक ही आती थी और उस समय लोग इस नाले से ऊपर चढ़कर पूरा पहाड़ पैदल पार करके पगडंडियों के सहारे काशापाट जाते थे। उस समय ये नीचे वाला रोड नहीं था क्योंकि यहाँ आगे बस चट्टाने ही हैं और जिनको बाद में ब्लास्ट करके रोड बनाया गया। कुछ समय बाद मई 2015 में जाकर डंडोल से थोड़ा आगे यहाँ मांच नाला तक रोड बस योग्य बना दिया गया। हालांकि उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से भी लोगों को ऊपर पहाड़ चढ़कर ही जाना पड़ता था। सामान लेकर जाने का एकमात्र साधन गधे और खच्चर ही थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे खड़े पहाड़ों पर वो कितना मुश्किल है। यहाँ के ये पथरीले पहाड़ हैं ही ऐसे कि बहुत ध्यान से ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के बाद चट्टानों में से जगह बनाई गई है। अभी भी जब तक रोड पक्का नहीं हो जाता तब तक बारिश और बर्फ़ में यहाँ आना बहुत जोखिम भरा रहता है।
ये है पूना का काली माता मंदिर, और इसके बाद आ जाता है पूना गांव। गांव वैसे नीचे को है, जैसा कि हमने बताया कि 2015 में पीछे मांझ नाला तक बस पहुंच गई थी, और फेब 2017 में जाकर बस यहां पूना गांव में आई। इसे काशापाट के लोगों को थोड़ी सहूलियत मिली, क्योंकि अब 10-12 किलोमीटर का ट्रैक बस 6 किलोमीटर का रह गया था। अभी ये सड़क काफ़ी हद तक कच्ची ही है, बस बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस पक्के हैं। इस सड़क को पक्का करने का काम 2019 में शुरू किया गया था। किस्मत से यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ ही आती जाती हैं, वरना पास देने के लिए तो काफ़ी आगे पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। तो 9:45 बजे रामपुर से चलकर 1 बजे हम पहुंचने वाले हैं काशापाट। काशापाट से पहले गांव दमनी तक ही बस जाएगी, और उसके आगे का सफ़र लोगों को पैदल ही तय करना पड़ेगा। वैसे लोगों ने बताया कि छोटे वाहन योग्य सड़क तो कई सालों से बनकर तैयार थी, लेकिन बस आने में काफ़ी समय लग गया। तो पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने अपने छोटे वाहन और सामान के लिए पिकअप्स भी खरीद ली हैं, जिससे बसेस में आने जाने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। ये है दमनी गांव, और बस यहां से वापस मुड़ जाएगी। यहां गांव के कई लोग खड़े हैं, हालांकि ये सब वापस रामपुर जाने वाले नहीं हैं। बस का यहां पर 5-10 मिनट का ही हाल्ट रहता है, जिसमें लोग उतरते हैं और रामपुर जाने वाले लोग चढ़ते हैं। तो ये है काशापाट, शिमला ज़िला के सबसे दूरदराज बसे गांव में से एक। ये कच्चा रोड आगे कंडी और काशा गांव के लिए चला जाता है। रोड बनने के साथ साथ गांव में सुविधाएं भी आने लगी हैं, हालांकि अब गांव के युवा ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। गांव में स्कूल तो 2012 में बन गया था, और पहले पढ़ाई भी अच्छी होती थी, लेकिन अब बस मात्र 1-2 टीचर्स ही यहां पर हैं। इस वजह से भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने लगे हैं। यहां पर सेबों के सुंदर बगीचे हैं, घूमने के लिए कुछ ट्रैक्स हैं, नीचे ये सुंदर वाटरफॉल है, और सबसे खास बेलनू टिब्बा, जो कि 5,200 मीटर पर बसी शिमला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। गांव की आजीविका का मुख्य साधन खेती ही है, जिनमें जौ, गेहूं, तुलसी, कोडा, पापड़ा और गोभी मुख्य फसलें हैं। यहां के लोग भी बहुत मिलनसार हैं और मदद करने वाले हैं। आप यहां आएं तो रुकने के लिए 1-2 होमस्टे हैं, और कम से कम 1 दिन का स्टे तो यहाँ पर बनता है। मुझे ये सोचकर काफ़ी बुरा लग रहा है कि यहाँ पर बिताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और बस के साथ ही अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो 1:15 बजे बस वापस रामपुर की ओर चल पड़ी।
और शाम को 4 बजे हम पहुंच गए वापस रामपुर बुशहर। तो दोस्तों, ये थी एक और हिमालयन गांव की हमारी यात्रा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।